नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी मोहित्रा। कोविड 19 को लेकर तूफान जारी और चीन और अमेरिका लड़ाई के मुहाने पर पहुंच गए। अब तक चीन के खिलाफ दुनिया के 120 देश एकजुट हो गए और चीन से जवाब मांग रहे। इसके साथ ही साथ WHO की बैठक में 62 देशों ने चीन के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर दिया। इसी के साथ अपने विरोध में माहौल देखकर चीन घुटनों के बल आ गया, 120 देशों के चक्रव्यूह में फंस गया और कोरोना की जांच के लिए तैयार हो गया। पहले तो चीन कह रहा था कि कोरोना के फैलाव में हमारी गलती नहीं है, लेकिन दबाव बढ़ता देख चीन बैकफुट पर है और अब कोरोना की जांच को लेकर तैयार हो गया। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए देने की बात कही। यहाँ पर एक बात बताते चले कि इस बार WHO की बैठक में सिर्फ और सिर्फ कोरोना ही था और बैठक वर्चुअल थी। सभी प्रतिनिधि अपने अपने देश से स्काइप पर जुड़े थे, लेकिन इस बैठक में अधिकांश देशों के निशाने पर चीन ही था। यहाँ पर एक बार फिर हम याद दिलाते चले कि 120 देशों ने WHO की बैठक में चीन की जांच के लिए प्रस्ताव दिया है, जिसको लेकर आज जबरदस्त चर्चा की संभावना है। इस प्रस्ताव का नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया ने किया है और समर्थन भारत, रूस, जापान और यूरोपियन यूनियन ने किया है। यही वजह थी कि चीन को बैकफुट पर आना पड़ा और कोरोना की जांच के लिए सहमति देनी पड़ी और अगले 2 साल के लिए 15,000 करोड़ की मदद का ऐलान करना पड़ा। 得到控制之后，全面评估全球应对疫情工作总结经验，弥补不足。中方始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向世卫组织及相关国家通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列等信息，毫无保留同各方分享。 防控和救治经验，尽己所能，为有需要的国家提供了大量支持和帮助。中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性，做出。 इस बयान में शी जिनपिंग ने कहा है कि जांच हो लेकिन कोरोना संकट के बाद हो। इसका समर्थन करते हुए WHO चीफ ने भी कहा कि जांच इस समस्या से निपटने के बाद हो। पूरी दुनिया का मानना है कि कोविड-19 का वायरस चीन के शहर वुहान से निकला है, लेकिन चीन इससे इनकार करता रहा। इसके साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति रोज चीन और WHO पर हमला करते हैं और खरी खोटी सुनाते रहते हैं। बैठक के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि WHO चीन की कठपुतली। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है चीन का और क्यों अकड़ ढीली पड़ी है चीन की। अब माना जा रहा है कि एक तरह से अमेरिका का दबाव रंग लाया और चीन किनारे पर आ रुका है। अब देखना होगा कि आगे की रणनीति में कब से चीन में जांच होती है और इसका परिणाम कुछ निकलता है या चालाक चीन सब कुछ मिटा चुका होता है।